हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। वंस अगेन यू आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वर्ड पावर 33। आज हम लोग इस वर्ड पावर की सीरीज का टॉपिक नंबर 33 पढ़ने जा रहे हैं। और फटाफट रोज की तरह अपने वर्ड्स नोट करें। आपका पहला वर्ड एवेंसेंट, एक जैसा बीट, एक चैक्टिन, एग्जाल्ट, एग्जास्परेट। और अगला है एग्जाम्पलीफाई, एग्जास्टिव, एग्जॉल्ट, एक्सीजेंसी और एग्जिस्टेंशियल। और हर वीडियो की तरह थोड़ी सी फॉर्मेलिटी फिर से कर लेते हैं। और ये सब बताने की जरूरत इसलिए होती है कि अगर कोई हमारा न्यू व्यूअर हो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको भी पूरा पूरा फायदा मिले जितना फायदा आप उठा रहे हो। तो क्या करना होता है, हमें इन वर्ड्स को नोट करने के बाद इनको पढ़ने के लिए रटना नहीं है, एटिमोलॉजी से काम करना है। और एटिमोलॉजी में क्या होता है, रूट वर्ड देखना है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इस पर काम करना है। और हमारे रूट है वो ग्रीक या लैटिन भाषा के होते हैं। एक प्रीफिक्स से सैकड़ों वर्ड्स बनते रहते हैं और एक सफिक्स से हजारों वर्ड्स बनते रहते हैं। और सफिक्स हमें यह भी बताएगी हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होगा कि हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तभी हमारी ग्रामर इंप्रूव होती है और तभी हम इसको करेक्ट यूज में फॉर्म कर पाएंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए इसी तरीके से। और हाँ, जैसा कि आपको पता, अगर हमें किसी वर्ड का रूट नहीं पता है तो एक और तरीका है, निमोनिक या माइंड मैपिंग से इन वर्ड को लर्न करते हैं। तो आइए तैयार करते हैं 10 वर्ड को। और ये ध्यान रखिएगा, जो भी इस सीरीज में वर्ड्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कहलाते हैं। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने अच्छे लेवल के एग्जाम हैं, SSC, बैंक, NDA, MBA, जो भी एग्जाम्स हैं, TGT, PGT, बहुत पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक और चीज आपको बता दें, वोकैबुलरी में कुछ ऐसी कैटेगरी नहीं होती कि ये वाले वर्ड्स हमारे वन वर्ड के हैं, ये हमारे एंटोनिम्स हैं, ये हमारे सिनोनिम्स हैं। किसी भी वर्ड का एज ए वन वर्ड पूछा जा सकता है, एज एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, एज ए सिनोनिम्स पूछा जा सकता है। क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, कहते सर जी हमें वन वर्ड पढ़ा दीजिए, कोई कहता हमें सिनोनिम्स पढ़ा दीजिएगा, कोई कहता हमें एंटोनिम्स पढ़ा दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफरेंट कैटेगरी नहीं होती है। तो इसलिए प्लीज सिर्फ और सिर्फ आप इन वर्ड्स को पढ़ते जाइएगा, ग्रास करते जाइएगा और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते जाइएगा। आपका सब कुछ इम्प्रूव होगा, चाहे वो आपका एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो, चाहे वन वर्ड हो और चाहे आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर हो। तो फर्स्ट वर्ड एवेंसेंट, बच्चों एवेंसेंट का मतलब होता है फ्लीटिंग, FLEETING, फ्लीटिंग, जो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। डिसअपीयरिंग, DISAPPEARING, डिसअपीयरिंग, फ्लीटिंग, डिसअपीयरिंग। इसके और मीनिंग होते हैं, इफीमरल पीछे पढ़ाया था, ट्रांजिएंट, इम्परमानेंट, टेम्परेरी, अस्थाई कहलाता है, एवेंसेंट कहलाता है। बच्चों एवेंसेंट बनाया कैसे गया, यहां पर एक रूट है वेनेस्को। वेनेस्को का मतलब होता है वैनिस हो जाना, गायब हो जाना। और ईफार होता है एक्स, वैनिस आउट, जो चीजें बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं, वैनिसिंग चीजें होती हैं, वो कहलाती है एवेंसेंट कहलाती हैं, अल्पस्थाई कहलाती हैं, अल्पजीवी कहलाती हैं। और जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था, हम कह सकते हैं कि अवर लाइफ इज एवेंसेंट, हमारा जीवन कैसा होता है, एवेंसेंट है, फ्लीटिंग। या अवर जॉयज आर एवेंसेंट, अवर ब्यूटी इज एवेंसेंट, यूथ इज एवेंसेंट, वॉट एवर एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ इज एवेंसेंट, इस पृथ्वी पर जो भी है वो एवेंसेंट है, अस्थाई है, टिकाऊ है, डिसअपीयरिंग है। अगला वर्ड आपको है एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब होता है टू मैक वर्स, MAKE WORSE, किसी चीज को बुरा बना देना, या कह सकते हैं डिटेरियोरेट कर देना।
DETERIORATE, डिटेरियोरेट कर देना या बुरा बना देना एक जैसा बिट। फिर से COVID-19 डिजीज का माहौल है तो एग्जांपल्स भी वहीं से आपको दे रहे हैं कि COVID-19 हैज एग्जैसरवेटेड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। COVID-19 ने यानी इस कोरोना वायरस ने दुनिया के लोगों का जीवन एग्जैसरवेट कर दिया है, बुरा बना दिया, बिगाड़ दिया, क्योंकि हम सब कितने दिनों से लॉकडाउन है और अभी भी द थिंग्स आर नॉट क्लियर व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, तो इसने क्या कर दिया, एग्जैसरवेट कर दिया। और याद रखिएगा डिटेरियोरेट का अपोजिट होता है अमेलिरेट, सुधारना, इंप्रूव करना। कह सकते हैं कि देर आर मैनी फिलेंथ्रोपिस्ट हु आर ट्राइंग टू अमेलिरेट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री। कैसे, कई ऐसे फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो हमारे देश के लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अगला वर्ड आपका है एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिमांडिंग। एक्सट्रीमली डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांड करने वाला। अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत डिमांड करता रहता है, हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, इसे बच्चों हम फिनकी भी कह सकते हैं, एग्जैक्टिंग कहलाता है। जैसे माई एग्जैक्टिंग टीचर यूज टू कट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इवन फॉर द पेटी एरर्स। हमारे जो एग्जैक्टिंग टीचर थे वो परीक्षा में बच्चों की छोटी छोटी गलतियों की वजह से मार्क्स काट लेते थे, तो वो एग्जैक्टिंग कहलाते हैं, एक्सट्रीम डिमांड। दूसरा एक और बढ़िया एग्जाम्पल, इन प्रेजेंट टाइम दे आर मैनी एग्जैक्टिंग पेरेंट्स। आजकल बहुत एग्जैक्टिंग पेरेंट्स होते हैं हु डिमांड 100% मार्क्स फ्रॉम द ईच स्टूडेंट, जो प्रत्येक विद्यार्थी से 100% मार्क्स की अपेक्षा करते रहते हैं। और आपको पता है या देर आर मैनी पेरेंट्स या देर आर मैनी पेरेंट्स हु आर एग्जैक्टिंग बिकॉज दे डिमांड फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स नंबर वन पोजिशन इन द क्लास। और आपको पता है कि हर बच्चा क्लास में नंबर वन नहीं हो सकता है, तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, एग्जैक्टिंग। इसके देखिए बढ़िया से लिंक बनाई है, एग्जैक्टिंग बनाने एग्जैक्ट, जो हमेशा एग्जैक्ट चीजें चाहते हैं वो एग्जैक्टिंग कहलाते हैं, इसे हम फिनकी कह सकते हैं। अगला वर्ड एग्जाल्ट। बच्चों एग्जाल्ट का मतलब होता है टू रेज हाई, या कह सकते हैं ग्लोरीफाई। टू रेज हाई, ग्लोरीफाई, प्रेस करना, एग्जाल्ट करना होता है, प्रशंसा करना, जय जयकार करना। जैसे वी आर एग्जाल्टिंग अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिज रिगोरस लेवर टू कंट्रोल COVID-19 इन अवर कंट्री। ये हम अपने प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं जिस तरह से वो डिजीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। या whenever you get good marks in the examination, all exalt you. जब भी आप अच्छे नंबर लाते हैं लोग आपको exalt करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और बच्चों पता है exalt से मिलता तो बड़े होता है exult, EXULT, exult means होता है rejoice होना, खुश होना, आपको करना। अगला बड़ा exasperate। exasperate का मतलब होता है to annoy thoroughly, THOROUGHLY, तो annoy thoroughly का मतलब होता है बहुत ज्यादा नाराज कर देना। ये कह सकते हैं टू मेक एंग्री, यानी कि लोगों को एंग्री कर देना, नाराज कर देना, एग्जास्परेट करना होता है, इनरेज कर देना, क्रुद्ध कर देना, नाराज कर देना, एग्जास्परेट कर देना होता है। जैसे when the child did not obey the parents, he exasperated his parents. जब बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ओबे नहीं किया तो उसने अपने पेरेंट्स को क्या कर दिया, एग्जास्परेट कर दिया, नाराज कर दिया। दूसरा कह सकते एग्जाम्पल, ड्यूरिंग लॉकडाउन दोज पीपल हु डू नॉट ओबे द रूल्स दे एग्जास्परेट द पुलिस डिपार्टमेंट। वो लोग जो रूल जो लॉकडाउन को नहीं मानते वो क्या करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को एग्जास्परेट कर देते, नाराज कर देते हैं। एग्जास्परेट वर्ब है, नाउन हो जाएगा एग्जास्परेशन। अगला वर्ड आपका है एग्जेम्प्लीफाई। इसका मतलब होता है टू इलस्ट्रेट, IELUSTRATE, इलस्ट्रेट बाय एग्जाम्पल।
और इलस्ट्रेट बाय एग्जांपल मतलब होता है उदाहरण देके समझाना, एग्जाम्पलीफाई करना होता है, टू गिव एग्जाम्पल। जैसे आई एम एग्जाम्पलीफाइंग दीज वर्ड्स टू यू, मैं क्या कर रहा हूँ, इन वर्ड को एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ, इनका मीनिंग बता रहा हूँ और उदाहरण भी दे रहा हूँ। तो आई एम एग्जाम्पलीफाइंग दीज वर्ड्स, और एग्जाम्पलीफाई को लर्न करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर स्कूल एग्जाम्पल कि किसी चीज का एग्जाम्पल देना एग्जाम्पलीफाई करना होता है। और पता है एग्जाम्पलीफाई से मिलता होता वर्ड था एग्जाम्पलर, EXEMPLAR, एग्जाम्पलर मतलब हो जाता है मॉडल, बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे अगर आप का सिलेक्शन हो जाता है, आप गवर्नमेंट जॉब पा लेते हो, तो यू देन क्या होता है, द पीपल ऑफ योर विलेज एग्जाम्पलीफाई यू, देन यू बिकम एग्जाम्पलर। जिसका लोग उदाहरण देने लगते वो क्या बन जाता है, एग्जाम्पलर बन जाता है। और एक वर्ड और था एग्जाम्पलरी, EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी होता है आउटस्टैंडिंग, महत्वपूर्ण कहलाता है। अगला वर्ड एग्जास्टिव, एग्जास्टिव का मतलब होता है थारो, THOROUGH, थारो, कंप्लीट, थारो कंप्लीट, पेस्टेकिंग, थारो कंप्लीट पेस्टेकिंग एग्जास्टिव कराता है। एडजेक्टिव है, इसको यूज कैसे करेंगे, Nobody has exhaustive knowledge of any subject. किसी भी इंसान को किसी विषय पर exhaustive यानी कि complete knowledge नहीं होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता है। अगला वर्ड आपका exhort, exhort का मतलब होता है to urge करना, exhort होता है to urge करना, to urge strongly यानी कि किसी से आग्रह करना, निवेदन करना, एक्सहॉर्ट करना होता है। जैसे अवर गवर्नमेंट इज एक्सहॉर्टिंग टू द पीपल ऑफ अवर कंट्री टू स्टे एट होम टू बी सेफ, यानी हमारी सरकार हमसे एक्सहॉर्ट कर रही है, वो आग्रह कर रही है कि हम घर में रहें, बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ये होता है एग्जॉर्ट करना। अगला वर्ड आपका एक्सीजेंसी, बच्चों एक्सीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, EMERGENCY, एक्सीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी, या कह सकते हैं अर्जेंसी, URGENCY, अर्जेंसी। एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, अर्जेंसी बच्चों नाउन है, और इसका एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे कि अर्जेंसी से अर्जेंट बन जाता है और एक्सीजेंसी से एक्सीजेंट बन जाता है। जैसे यूज कैसे करेंगे, लॉकडाउन इज द एक्सीजेंसी ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन इन आवर कंट्री, हमारे देश में लॉकडाउन जो होता है वो एक्सीजेंसी है, अर्जेंसी है, आपातकालीन बना हुआ हुआ, और एक्सीजेंसी से एक्सीजेंट बन जाता है। तो एक्सीजेंसी मतलब अर्जेंसी, जैसे In present time, it is exigency for you to learn these words. वर्तमान समय में आपके लिए exigency क्या है? इन शब्दों को याद करना या सीखना। बच्चों next और आज का last word है existential. Existential मतलब होता है having to do with existence. Having to do with existence को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं related to life, किसी के life या अस्तित्व या जीवन पर आधारित कोई चीज existence कहलाता है। बच्चों existence में एक रूट है existence, EXISTENCE, existence होता अस्तित्व या जीवन। अगर आपको किसी के existence के बारे में नॉलेज है, यू हैव existential नॉलेज। जैसे Whether God exists or not, if I know, then I have existential knowledge about the God. अगर भगवान है कि नहीं ये बात मुझे पता है, तो मुझे भगवान के बारे में existential knowledge है, अस्तित्व के बारे में ज्ञान है। तो ये थे आपके आज के 10 words, और मुझे उम्मीद है you must have enjoyed these words, आपने इनको enjoy किया होगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी चीज़ को जब तक हम enjoy नहीं करते हैं, interest नहीं पड़ेंगे, तब तक वो याद नहीं होती है। बच्चों याद रखिएगा, लर्निंग
तभी होगी जब आपका इंटरेस्ट होगा। अगर आप इसको मजबूरी में पढ़ोगे, यार नहीं मुझे एग्जाम में बैठना है इसलिए पढ़ रहा हूँ, तो फिर आपका लर्निंग नहीं होगी। लर्निंग कम्स थ्रू इंटरेस्ट, दैट्स वाई क्रिएट योर इंटरेस्ट फॉर वोकेबली। वोकेबली के लिए इंटरेस्ट को पैदा करो। जब तक आपका इंटरेस्ट अच्छा नहीं होगा, वोकेबली इंप्रूव नहीं होती है। तो मैं देखा है इंग्लिश में बच्चों का स्कोर इसलिए कम रहता है कि इंग्लिश में इस आपका इंटरेस्ट कम रहता है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप उसका इंटरेस्ट, आपका उस पर इंटरेस्ट नहीं है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए फर्स्ट क्रिएट योर इंटरेस्ट। तो लास्ट में बस अपनी बात को ख़त्म करते हुए, सिर्फ छोटी सी बात बोलते हुए कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों को अपने इस पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब कराएं। कल फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई वर्ड पावर की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।